जिंदाबाद जिंदाबाद सीएचयू जिंदाबाद 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 मैन टू सेंट्रल जिंदाबाद 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 हिम प्राप्त जिंदाबाद 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 हिम प्राप्त जिंदाबाद 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 मैन रेजिवेशन जिंदाबाद 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 सीएचयू का मैन रेजिवेशन जिंदाबाद 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 सीएचयू का राज्य रेजिवेशन जिंदाबाद 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 आप हमारे जो है इस अधिवेशन के रिसेप्शन कमिटी के चेयरमैन आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद। साथियों, दोस्तों, आज हमारे सीएचयू के नवा राज्य अधिवेशन का पहला दिन ओपन सेशन इस तिरंगा पार्क में, नाम तिरंगा लेकिन आज एक ही रंग दिखाई दे रहा है, सिर्फ लाल रंग। इस लाल रंग से भरे हुए इस तिरंगा पार्क में मुझे हार्दिक खुशी है कि मैं आज स्वागत कर रहा हूं हमारे सीएटीयू के नेशनल लेवल के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड ए के पद्मनाभन जी। इनके साथ ही मैं स्वागत करता हूं मंच पर बैठे हुए हमारे लीडरान सीएटीयू के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कॉमरेड आर सुरेंद्रन पिल्ले जी और उपाध्यक्ष श्री कॉमरेड डी अय्यपन जी और जनरल सेक्रेटरी श्री कॉमरेड बी चंद्रचूड़न जी और कॉमरेड एसपी कलेराजन जी। इन सबका मैं स्वागत करता हूं इस मंच पे आज का दिन। और हमारे इन द्वीप समूह के कोने कोने से आए हुए जितने भी सीएटीयू के मेंबरान, खासकर जो महिलाएं, हमारे संगी साथी महिलाएं जो इस द्वीप समूह के कोने कोने से यहाँ पे आए इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए, आज पहला दिन लाल रंग से तिरंगा को भरे हुए जितने भी सीएटीयू के मेंबरान और अन्य लोग जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, जो बाहर खड़े हैं, जो दुकानों पे खड़े हैं और जो मीडिया कर्मी हैं हमारे, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ। आज समय की कमी के कारण मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आज का ये जो अधिवेशन एक ऐसे समय पर हो रहा है जहाँ पे श्रमिक वर्ग के ऊपर में जो अत्याचार, तो अंडमान पे स्थिति ऐसा है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 12 घंटा छोड़िए 24 घंटा 24x7 and 365 days ऐसा भी डिपार्टमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो हमको प्रतिवाद करना चाहिए। कल आपका जो डेलीगेट सेशन होगा उसमें ये सब बात आएंगे। अभी मंच पे हमारे मुख्य अतिथि कॉमरेड ए के पद्मनाभन को आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कॉमरेड ए के पद्मनाभन, प्लीज कम। मंच पर बैठे हुए हमारे राज्य कमेटी के नेतागण और जुलूस लेके यहां आए हुए मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम हमारे सीआईटीयू का नवम राज्य अधिवेशन के शुरुआत ये जुलूस या झंडारोहण यहां तिरंगा पार्क में हुए हैं। कल हमारा प्रतिनिधि सम्मेलन होने का है। आप सभी साथियों को याद होगा पिछले 3 साल के पहले 19 में यही नवंबर में 16-17 तारीख में हमारे अधिवेशन हुआ था। यही तिरंगा पार्क में हमें यह खुला अधिवेशन भी हुआ था, हमारा मास मीटिंग। यह 3 साल में स्थिति ऐसा हुआ, 2 साल कोरोना में चले गए। यह कोरोना का टाइम हमारे लिए, मजदूर वर्ग के लिए, इस देश के मेहनत कश के लिए कैसे था आपको मालूम है,
वो मैं आपको और एक बार बता के वो दिनों कैसे थे इसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन सरकार, दिल्ली के सरकार और बहुत बहुत राज्य सरकार, अंडमान के सरकार, ये सब ये पूरा कैसे देखा, कोरोना का टाइम हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मजदूर पर हमला करने के लिए हमने क्या क्या लड़ाई करके हमें मिले थे वो पूरा लेने के लिए सरकार की ओर से ये हम नहीं बनाते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों बताया, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन थे, वो नीति बना के सरकार को एडवाइस करते हैं। सरकार का नीतियां कैसे होना है इसके लिए एक कमिटी, प्लानिंग कमीशन था पहले, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर शुरू होके 2014 तक। ये नीति आयोग का वाइस चेयरमैन ने कहा दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों हम जुलूस नहीं ले सकते, कमिटी मीटिंग में नहीं हो सकते, हम आसपास में नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते हैं, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे ऊपर हमला करने के लिए। मैं पूरा इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये 2 साल के अंदर हमने सीटू से और कुछ दिन के बाद सभी ट्रेड यूनियनों एक साथ मिलके ये सरकार के हमला के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू किया। आपको याद होगा 23 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन कल से पूरा लॉकडाउन, इस देश को कुछ पता नहीं था लॉकडाउन माने क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन। इसके बाद क्या क्या हुआ, हजारों लोगों राजस्थान से, गुजरात से होके बिहार तक, बंगाल तक, ओडिशा तक पैदल जाना शुरू किया, खाना पीने का नहीं, घर भी नहीं, रहने का इंतजाम नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, पूरा बंद बंद बंद। ये बंद करके पूरा मजदूर वर्ग के ऊपर, मेहनत कश के ऊपर बहुत बड़ा हमला शुरू किया। लेकिन अप्रैल महीने से शुरू होकर 23 मार्च, 23 मार्च में शुरू हुआ लॉकडाउन, अप्रैल में हमने नारा दिया घर से शुरू करो, नारा दो, भाषण नहीं, खाने के लिए चाहिए, यह शुरू किया हमने अप्रैल महीने में। मई जून जुलाई में बाहर आके सड़क पर खड़ा होके हम नारा देना शुरू किया, और नवंबर, आज का डेट क्या है आपको मालूम है, 26 नवंबर, यही नवंबर में, नवंबर 26, 2020 में, 2020, 26 नवंबर, 26 नवंबर में पूरा देश के मेहनत कश एक साथ होके यह सरकार को चेतावनी दिया, एक दिन का हड़ताल हमने किया, ये पूरा नीतियों के खिलाफ पूरा देश पर, आपका लॉकडाउन हो, कोई पूरा अरेंजमेंट हो, हम नारा नहीं दे सकते, कमिटी नहीं दे सकते, जुलूस नहीं ले सकते, कमिटी मीटिंग नहीं हो सकते है, लेकिन हमारे पूरा साथियों एक साथी से एक ऐसा पूरा कैंपेन करके हमने 26 नवंबर को एक दिन का हड़ताल किया। उसी दिन में हजारों हजारों किसानों जो जुलाई अगस्त महीने से कैंपेन कर रहे थे, अभियान कर रहे थे 3 मसौदे के खिलाफ, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में वो अभियान चला रहे थे, उन्होंने दिल्ली को आगे, हजारों किसानों ये कोरोना टाइम पर 26 नवंबर से शुरू होके 1
साल के ऊपर दिल्ली में रहे। ये सरकार को बताया, ये तीन मसौदा किसानों के खिलाफ आए हुए लेके आए हैं, ये वापस लो, फार्म बिल वापस लो, ये नारा दिया। उन्होंने संघर्ष किया पूरा दिल्ली के सड़क पर बैठे हुए, आर्मी भी आ गए, लठीचार्ज भी हो गए, बहुत 700 लोगों के ऊपर माउथ हुआ एक साल में। किसानों किसानों, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके एक साल के बाद ये मोदी जी ने बताया हम ये तीनों मसौदा को वापस लेते हैं। ये है इतिहास, ये पूरा इतिहास के ऊपर मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोग वापस जाना है घर। लेकिन आज का स्थिति क्या है, आज 26 नवंबर में पूरा देश पर किसान संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा, SKM, 500 किसानों का 500 संगठन, अलग अलग संगठन एक साथ होके वो संघर्ष किए थे, संयुक्त किसान मोर्चा, वो संयुक्त किसान मोर्चा से ऑल इंडिया किसान सभा और बाकी सब एक साथ होके सभी राजभवन के सामने आज जुलूस किया पूरा देश पर। दो साल हो गया शुरू होके, 2020 में शुरू होके वो संघर्ष आज भी जारी है, आज भी चला रहे हैं। क्योंकि क्या सरकार ने वादा दिया था, क्या एश्योरेंस दिया था, वो पूरा अभी तक नहीं लागू हुआ। इसलिए किसानों पूरा संघर्ष में है, मजदूरों संघर्ष में है। 26 नवंबर के बाद इस साल में मार्च में 2 दिन का हड़ताल किया करने, ये देश भर का इतिहास है। लेकिन अंडमान जैसे पूरा सभी राज्यों में, छोटा राज्य हो या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हो और बड़े बड़े राज्य हो, पूरा राज्यों में सभी मजदूरों, ट्रांसपोर्ट के, बिजली के, प्राइवेट कारखाने में या आपका PWD जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले, मुझे याद है उसी दिन 3 साल के पहले हमने ये जुलूस लेके, यही जुलूस लेके आए थे। हमने क्या किया, 1/3 देना होगा, वही नारा था उस समय, उस समय वही नारा था। अभी 3 साल के बाद अभी भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ। और वैकेंसी फिलअप करना होगा, अभी भी वही नारा है पूरा देश पर। अभी कुछ ड्रामा चल रहा है, 10 लाख लोगों को सरकार काम देगा, ऑर्डर देने का। गुजरात में इलेक्शन होता है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होता है, सरकार प्राइम मिनिस्टर आके कार के लिए, रिकॉर्ड कार के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। कितने दिया, कितने लाख वैकेंसी है देश पर, हर डिपार्टमेंट में, वो रेलवे हो, PWD हो, डिफेंस हो। अभी क्या हुआ, हम परमानेंट के बारे में रेगुलराइज करना होगा, यहां नारा देते हैं। अभी आर्मी में अग्निवीर नया नाम दे दिया, टेम्पररी आर्मी में, टेम्पररी डिफेंस में, टेम्पररी सरकार ऑफिस में, टेम्पररी, कोई रेगुलर नहीं है, कोई रेगुलर नहीं है। पेंशन को छोड़ दिया, बाकी सब फैसिलिटी को छोड़ दिया, 8 घंटे का काम भी छोड़ दिया, और 4 लेबर कोड बनाया पूरा। हमने 100 साल के पहले हमारे नेतागण संघर्ष करके क्या क्या लाए थे, ये पूरा वापस लेने का कोशिश अभी हो रहा है। इसलिए CITU के ओर से
ये मेरा निवेदन अंडमान निकोबर के सभी साथियों को, ये हमारा निर्देश है, निवेदन है। हम क्या संघर्ष अभी शुरू किया है, ये संघर्ष को आगे लेके आने वाले दिनों में, वो अंडमान हो, कश्मीर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, या गुजरात या राजस्थान, पूरा देश भर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऐसा बोलते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरा देश भर आने वाले दिनों में हमारे संघर्ष को आगे लेने के लिए हम तैयार करना है। यह सीटों का भी अधिवेशन है, कॉन्फ्रेंस है, यह कॉन्फ्रेंस किसके लिए है, हमारे लिए। पिछले 3 साल में हमने क्या क्या किया, आने वाले तीन साल में हमारे संघर्ष तेजा होना चाहिए, क्योंकि सरकार के ओर से यह हमला ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। सरकार पूरा पूंजीवाद लोगों को के लिए, पूंजी के लिए ही सरकार, अंबानी अदानी के लिए ही सरकार, इस देश के मजदूरों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, यह सरकार इस देश के पूंजी लोगों को लिए ही काम करते हैं, उनको भी मानते हैं, मजदूरों को नहीं मान रहे, किसानों की नहीं मान रहे, इस देश के मेहनत कशों की मांग रहे हैं, हमारे महिला, हमारे नौजवान, हमारे छात्र लोग, ये पूरा इसके पूरा मानने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम ये सरकार के खिलाफ, हम मोदी के खिलाफ नहीं है, हम अमित शाह के खिलाफ नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये सरकार के नीतियों के खिलाफ, ये नीतियों को हम हटा देंगे, ये नीतियों को हम बदलेंगे। नीतियों को बदलने के लिए आने वाले दिनों में CITU के ओर से हम संघर्ष करेंगे, वो संघर्ष में पूरा मजदूर, हमने सीटू के नारा 50 साल के पहले हमने शुरू किया, एकता और संघर्ष, हमारे एकता, मजदूर वर्ग का एकता, मजदूरों का एकता, क्योंकि ये संघर्ष के लिए एकता, हम एक साथ होके, एक साथ जुट के हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष के लिए एकता, एकता के लिए संघर्ष, आगे बढ़ेंगे हम, वही हमारा सीटू का नारा है। आज का दिन और एक है, हम बहुत देर तक बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज 26 नवंबर देश भर हमारे संविधान का दिवस है। 1949 में हमारे 3 साल का काम पूरा करके डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने पूरा संविधान का कमेटी का अध्यक्ष थे, पूरा डिस्कस करके 3 साल, 2 साल 11 महीने और कुछ दिनों, 3 साल का पूरा डिस्कस करके हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे तमिल में बोलते हैं अरसियल चट्टम, मलयालम में बोलते हैं वर्णघरना, हिंदी में बोलते हैं संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमको नागरिक बनाते हैं, मानते हैं, इस देशवासियों को मानने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पंथ निरपेक्ष है, ये सामूहिक सामाजिक व्यवस्था के लिए अब वो संविधान में है। हम इस देश के लोग, भारत के लोग, भारतवासियों, हमने हमारे लिए ये संविधान बनाया, लेकिन आज वो पूरा प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं, तो चाहे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भाषण देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, प्रचीफ मिनिस्टर सब भाषण देते हैं, लेकिन आज जो संविधान 1950 से हमारे रिपब्लिक डे से शुरू होके लागू है इस देश में, ये संविधान को तोड़ के हमारे पूरा नागरिकों का एकता को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए ही
आज के दिन 26 नवंबर ये महत्वपूर्ण दिवस है। हमने हड़ताल किया, किसानों का संघर्ष का शुरुआत हुआ। आज इसी दिन में 1949 में हमारे संविधान वो पूरा डिस्कशन हो गया, रिपब्लिक डे से शुरू होके वो लागू है। ऐसा दिन है आज, ऐसा दिन में हमने संघर्ष शुरुआत किया, लेकिन आज पूरा हमला ये मजदूर वर्ग के ऊपर भी हमला होता है, ये संविधान के व्यवस्था पर भी हमला हो रहा है। पांच रिलीजन, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, हम इस देशवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मजदूर हैं, इस देश के किसान हैं, इस देश के पुरुष हैं, इस देश के महिला हैं। ऐसा भारतवासी लोग जो गांधी जी के, नेहरू जी के और हमारे पूरा मजदूर वर्ग के नेताओं के साथ इस देश के आजादी के लिए हमने अभी अगस्त 15 में आजादी के दिन पर पूरा पोस्टर था, वो भाषण था, पूरा था, लेकिन कौन किया? अभी विदेश से भी लोग आके यहाँ सेल्युलर जेल, अब सब गए होगा सेल्युलर जेल। कौन कौन थे? हमारे मजदूर वर्ग के, किसानों का पूरा नेतागण, वो थे। आज का कौन इसके ऊपर भाषण दे रहे हैं, उनको आजादी का लड़ाई में कोई रोल नहीं था। यस, आजादी के बाद कौन कौन इस देश के नागरिक है, वो राष्ट्रपति हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, जज हो, और कोई हो, इस देशवासी है, आजादी उनके लिए भी है। इसलिए हमारे ओर से, मजदूरों के ओर से, हम इस देश को बचाने के लिए, देश का संविधान को बचाने के लिए, हम कैसे 8 घंटे के लिए मजदूरों के लिए, हमारे नीतियों के लिए, हमारे मांग के लिए हम संघर्ष करते हैं, ऐसा संघर्ष इस देश को बचाने के लिए भी हम संघर्ष करना है, देश का संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करना है, इस देश का एकता को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ हमें संघर्ष करना है। और एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं, कल 25 नवंबर था, पूरा देश पर सर्वदेश यूनाइटेड नेशंस का सर्वदेश दिवस था। कौन सा दिवस था? कल महिलाओं के ऊपर होने वाले हमला, वो घर हो या सड़क हो या ऑफिस हो, जहां भी हो, आजकल पूरा दुनिया भर महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है। इसके खिलाफ एक सर्वदेश दिवस और 10 दिन में विभिन्न प्रोग्राम, वो पूरा दुनिया भर हो रहा है। हमारे देश में क्या स्थिति है हम देख रहे हैं। कामकाजी महिला हो या घर में रहने वाले हो, या कुछ ऑफिस में काम करने वाले हो, या कुछ सड़क पर बेचने वाले हो, कोई भी हो, महिलाओं के ऊपर अभी भी हमला हो रहा है। इतने साल हुआ आजादी के बाद, आज भी महिलाओं के ऊपर, हमारे महिला, वो आंगनवाड़ी हो या पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले हो, या कोई डिपार्टमेंट में कैशियर वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कोई भी काम करने वाले हो, उनके मांग पर कोई सोचने वाले नहीं है, उनके ऊपर हमला हो रहा है। इस हमला के खिलाफ इस देश पर CIT का लाल झंडा लेके हमारे कामकाजी महिला का कमिटी बना के हम संघर्ष कर रहे हैं। हजारों हजारों मजदूरों, कामकाजी महिलाओं, पूरा देश पर हम संघर्ष में है। यहाँ अंडमान में भी CIT के झंडा लेके, CIT का बैनर के नीचे हम पूरा, अभी इतने महिला साथी आए हैं, ये पूरा साथियों को और बाकी सबके लिए हम लड़ेंगे। और
अंत में ये भी बताना चाहता हूँ, हम सीटू के ओर से हम सीटू ऐसा करेंगे ऐसा नहीं है, पूरा मजदूर वर्ग, इसलिए ही पूरा सेंट्रल ट्रेड यूनियन, वो एनटीयूसी का हो या एटीयूसी का हो या एसीसीटीयू का हो, कोई भी संगठन हो, इस देश के सभी मजदूरों को, वो जो संगठन को हो, वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो, या प्राइवेट में या पब्लिक में या कोऑपरेटिव में या असंगठित क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हो, सभी मजदूरों को एक साथ होके ये नीतियों के खिलाफ, ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, हमारे लिए मजदूरों के लिए उनके मांग के लिए हम संघर्ष करना है। इस संघर्ष में मजदूर के साथ हमारे किसान नेता भी यहाँ बैठे हैं, पूरा देश भर आज हुए ये प्रोग्राम के लिए 2 दिसंबर में पूरा मजदूरों या किसानों के साथ हम आवाज देंगे, किसानों के लिए मजदूर, मजदूरों के लिए खिलाफ, किसान हो, खेत मजदूर हो, हमारे मजदूर हो, ये पूरा एक साथ होके हम लड़ना है, वो लड़ाई आगे हम ले लेंगे। पिछले 5 सितंबर को दिल्ली में हजारों किसानों या मजदूरों एक साथ होके हमने एक कन्वेंशन किया, आने वाले बजट के टाइम पर अप्रैल महीने में बजट का सेशन होगा पार्लियामेंट का, उस समय दिल्ली में मजदूर, किसान, खेत मजदूर एक साथ होके ये तीनों संगठनों CITU, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन, ये तीनों एक साथ मिलकर इस सरकार के नीतियों के खिलाफ बजट के टाइम पर हमने संघर्ष करेंगे। एक ही इंफॉर्मेशन आपको देके मैं समाप्त करना चाहता हूं, ये सरकार बजट तैयार करते हैं ना, ये बजट के लिए बहुत साल से एक नीति है, पूंजी लोगों का एक दिन बुलाएंगे, उनके बाद उनसे डिस्कस करेंगे, ट्रेड यूनियन को बुलाएंगे, डिस्कस करेंगे, और बाकी सब अलग अलग स्टेक होल्डर्स बोलता है कौन कौन क्या क्या ग्रुप है, वो उनको बुला के फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कस करने का एक प्रोग्राम बहुत साल से है। एक सिटी CITU ऑफिस में 2 दिन के पहले आए हैं, कोरोना तो चले गए लेकिन बजट के बारे में ट्रेड यूनियन के साथ डिस्कस करने के लिए एक ऑनलाइन मीटिंग होगा। ओके, ऑनलाइन कितने टाइम, कुल मिला के 1 घंटे 15 मिनट 75 मिनट्स, 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन को कुल मिला के 75 मिनट्स दिए हैं ऑनलाइन में, बजट के बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं वो बोलने के लिए। आज एक डिटेल नोट आए हैं, इसमें हर संगठन को 3 मिनट मिलेगा, 3 मिनट में हमारे महामंत्री या अध्यक्ष ऑनलाइन में 3 मिनट में बजट के ऊपर CITU के ओर से, और 3 मिनट में AITUC से, और 3 मिनट में AICCTU से, ये सभी ट्रेड यूनियन को 3 मिनट मिलेगा। यह है सरकार, यह सरकार 3 मिनट में बजट के ऊपर इस देश के, ये कौन है, हम भी हम है, पूरा फैक्ट्रियों में, खेत में, पूरा कौन मेहनत करने वाले, कौन इस देश का पूरा असेट कौन बनाते हैं, वेल्थ क्रिएटर, मोदी ने बताया वेल्थ क्रिएटर कौन है, अंबानी अदानी वेल्थ क्रिएटर है, मजदूर वेल्थ क्रिएटर, मजदूर पूरा देश के पूरा मजदूर एक दिन नहीं 1 घंटे अपने अपने काम को बंद करके 1 घंटे पूरा देश पर करोड़ों मजदूरों एक साथ होके 1 घंटे काम को बंद करने में इस देश क्या होगा
आपको मालूम है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले उन लोगों को ये समझ में नहीं आते हैं। उनको सिखाने के लिए आने वाले दिनों में हम संघर्ष करेंगे, पूरा मजदूर वर्ग को एक साथ होके, हमारे साथ किसानों को, खेत मजदूरों को लेके हम संघर्ष करेंगे। वो संघर्ष के लिए अभियान आने वाले दिनों में पूरा देश भर करेंगे। आज देश भर करने में अंडमान निकोबार द्वीप में हम क्या क्या करना है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और बाकी सब हमारे कॉन्फ्रेंस के बाद हम बताएंगे क्या निर्णय हम ले रहे हैं। आप सबको सीटू के केंद्र कमेटी की ओर से हम बधाई देना चाहता हूँ, बधाई को साथियों बधाई, थैंक यू। हमारे मुख्य अतिथि कॉमरेड ए के पद्मनाभन ने बताया कि सरकार की बुरी नीति से, सरकार की नीतियों से मजदूर किसान के जो है अधिकार का जो है उल्लंघन कैसे होता है। अब जो है मैं डैश पर बुलाना चाहता हूं अंडमान निकोबार किसान सभा के प्रेसिडेंट कॉमरेड माजी, प्लीज कम। मेरा नाम चायो है। अंडमान में हम लोग झेल रहे हैं बहुत, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करीबन 2 साल हम लोगों को माइक पकड़ने की ओर इजाजत भी नहीं दिया था, तो हम लोग झेले, हमारा आवाज आम आदमी को नहीं दे सकते थे, संगठन के लिए यहाँ से वहां भागना नहीं सकते थे, जा नहीं पाते थे। और अंडमान का जो हालत है अभी, मान लीजिए यदि जहाज बंद हो जाए तो यहाँ का किसान तो पहले मर जाएंगे, क्यों? तो किसान का उत्पादन अभी बंद हो गया, धान का उत्पादन नहीं है, एक लिमिटेड धान पर उत्पादन करते हैं मिडिल अंडमान में, नॉर्थ मिडिल अंडमान में, वो भी अपने लिए, और चावल तो बाहर से आना पड़ता है उसके लिए। और ये किसान क्यों जमीन छोड़ के दिए, खेती बाड़ी करना छोड़ा क्यों? दक्षिण अंडमान में तो सबसे ज्यादा पहले धान उगता था, उसके बाद नॉर्थ मिडिल में, लेकिन नॉर्थ मिडिल में कुछ लोग कुछ धान पैदा करते हैं अभी भी, और इन लोग क्यों छोड़े? क्यों इसका यहाँ तो दाम नहीं है किसानों का उत्पादन का, दाम नहीं मिलता, तो दाम जब नहीं मिलेगा तो किसान सभा जो भारी आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद हम सोचते थे कि एमएसपी हमें ठीक तरह से मिलेगा, नहीं मिलते। अंडमान में कृषि मार्केट भी नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। ये लड़ाई हम लड़ते लड़ते आज नहीं करीबन 20 साल से, 20-25 साल से किसान सभा की ओर से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसानों का एमएसपी देने के लिए, किसानों का बीमा का उपयुक्त मुआवजा देने के लिए नहीं हो पाता। हमारे सीएचयू के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो है सीएचयू के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड चंद्रचूड़न आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय सभापति जी, हमारा ऑल इंडिया सीआईटीयू का वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड पद्मनाभन जी, और उपस्थित हमारा लीडर मेरा मजदूर साहब करेंगे, क्यों बहुत दूर से जो जुलूस लेके यहाँ पर आया है, बहुत दूर से आया, पूरा देश को बेच रहा है। आपको मालूम होगा हमारा एकमात्र एयरलाइंस बिक्री हो गया, हमारा LIC बिक्री होता है, हमारा BSNL बिक्री होता है, देश का पब्लिक सेक्टर पूरा एक एक करके ये सरकार बेच रहा है। दोस्तों हमें क्या मिला है, जो अंडमान के अंदर में भी अभी सुनता है कंबल बे फॉरेस्ट का पूरा लैंड बेचने का फैसला कर दिया, जो पूरा जो सिंगापुर का हब बनाएगा, और उसका बाद में वो टूरिज्म को डेवलप कराएगा, टूरिज्म सिटी, ये देश को क्या दिशा में लेके जाता है आपको सोचना पड़ेगा। हमें क्या मिलेगा, अंडमान का बच्चों को क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा, हमारे लोगों का नौकरी परमानेंट होगा, हमारे लोगों का कोर्ट का ऑर्डर लागू होगा, हजारों नौजवान नौकरी के लिए तड़पता है, इधर में जितना वैकेंट पोस्ट है फिलअप नहीं करता है,
जो 500 से ज्यादा पोस्ट के लिए 40,000 लोग यहाँ हमने टेस्ट लिखा है। आप सुना होगा या आपका जो हमारा मीडिया साथी उन्हें करा है, इन लोग इतना तो इसके बारे में आपका सामने लाया, तो पूरा देश के अंदर से लोग आके हमारा नौकरी छीनने के लिए आता है। क्यों वो ये अंडमान के लिए कानून नहीं बनता है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे रहा है, बीजेपी जवाब दे रहा है। एक लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया तो यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलेगा। लेकिन दुख का बात है, जो हमारा एकता नहीं है, यहाँ में हमारे बच्चों को रोड में मारता है। क्या कारण है? पढ़ने के लिए जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी जो प्रॉब्लम क्रिएट किया, यहाँ का प्रशासन उसको सुलझा ले नहीं सका। हमारा बच्चा स्ट्राइक में गया, रोड में डाल के मारा, पानी मर गया। अंडमान में हम लोग पहले बार ये देखा है। ये देश का जो कानून बदलता है, हमारा कॉम्रेड बोला किसान ने लड़के अपना जो कानून को वापस दिया, लेकिन मजदूर का कानून जो कानून वापस अभी तक नहीं लिया है। हमने आप लोगों को बोला हमारा यूनियन में आज संगठन जो होता है इसी में आकर शामिल हो, यूनाइटेड हो, तभी हम लोग आगे बढ़ सकता है। इस विषय के ऊपर में आप लोग का ध्यान दिया। आज इस जो उद्घाटन दिवस को बहुत संज्ञा से आप लोग आकर, महिला हो या जेंट्स हो, सभी मिलकर आज पोर्ट ब्लेयर को लाल रंग बनाया, उसके लिए हमारा जो सीएटी की ओर से लाल सलाम देता है। इंकलाब जिंदाबाद, सीएटी जिंदाबाद।